अरे हो गज्जू सीधा बैठ जा <स्थाँगा> अच्छे से बैठ जा सीधे से पढ़ाई का वक्त हो गया बेटा यस गुड मॉर्निंग मेरे बब्बर शेरों नमस्कार मैं अशोक कुमार साहू आपका मेंटर आपका करियर गाइड स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट वुगली क्लासेस में माय डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग यू ऑल कैसे हैं आप लोग अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों प्यारे चांद सितारों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक्शन और जो अपने आप में एक बहुत अच्छी वैल्यू रखता है नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर तो प्यारे बच्चों नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आने वाला ये टॉपिक जो है आज आपको क्रिस्टल क्लियर कर लेना है वाटर से भी बेहतर क्लियर कर लेना है कि भाई क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों के नॉर्थ सेट में आएंगे और कौन कौन से होंगे तो ये आपको वोगली क्लासेस की सुपर लेक्चर सीरीज में हर टॉपिक से रिलेटेड ये समझ में आ जाएगा कि यार अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है याद रखना तैयारी तब बहुत भयंकर हो जाती है जब टॉपिक वाइज की जाती है क्लियर है बेटा तैयारी तब बहुत भयंकर हो जाती है जब टॉपिक वाइज की जाती है याद रखना एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक अगर डिजिटल वाटर की तरह करके एग्जाम देने जाओगे ना तो मजाल नहीं है एग्जाम की कि आपको सिलेक्ट करने से वो मना कर दे आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा बस शर्त मेरी एक ही है कि नोट्स बनाते रहना और जितने भी मैं क्वेश्चन मार्क करवाता हूं जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं बेटा लेक्चर के अंदर वो सारे नोट करते रहना यानी रोज के लेक्चर के अंदर जो भी मटेरियल आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं ना पूरे क्रिस्टल क्लियर नोट्स बनाते रहना सिलेक्शन को तो झक मरा के तुम्हें पास करना पड़ेगा <laughs> सिलेक्शन की क्या मजाल की वो तुम्हें मना कर दे अरे उसको तो घर पे लेने आना पड़ेगा तुम लोगों को तैयारी ही हम ऐसी करेंगे अरे हम तैयारी में रिकॉर्ड तोड़ देंगे तो फिर सिलेक्शन की क्या मजाल और यही जोश और यही जुनून के साथ पढ़ते रहिए ुगली क्लासेस वन ऑफ द मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इन नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम एजुकेशन सिटी कोटा राजस्थान डीएस स्टूडेंट याद रखिएगा कोटा शिक्षा नगरी है और यहाँ की टीचिंग जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उन्हीं में से आपका एक पार्ट है उसी एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट है आपका वुगली क्लासेस वगली क्लासेस याद रखिए दोस्तों पिछले कई एग्जाम्स में अपना बेहतरीन एक्सीलेंसी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर चुका है और लगभग नाइन थाउजेंड नर्सिंग ऑफिसर आज एम्स के अंदर ऐसे वर्किंग है दे आर पास्ट बाय यूजिंग वुगली सुपर लेक्चर सीरीज सुपर लेक्चर सीरीज़ का ये मेरा तीसरा सेशन है सबसे पहला सेशन मैंने आपको एम्स दिल्ली के अंदर करवाया था उससे पहले एम्स ऋषिकेश में करवाया और अब तीसरा सेशन आपका नॉर्थ सेट का है तो चलिएगा yes, ना मेरा मुगली स्टूडेंट्स भी कमिटेड होना होगा मुगली स्टूडेंट्स जितने कमिटेड रहेंगे सिलेक्शन की संभावना उतनी ही हम बढ़ा पाएंगे क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है बेटा मैं अकेला भी मेहनत करूं और आप अगर साथ ना दें तो हमारा रिजल्ट कमजोर रह जाएगा और क्या आप चाहते हो कि अपना रिजल्ट कमजोर रह जाए बेटा क्या आप चाहते हो कि आपके साहू सर का रिजल्ट कमजोर रह जाए नहीं ना तो मेहनत करोगे ना प्रॉमिस कर रहे हो ना मुझसे कि मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ ना वो रंग लाएगी ना अरे भाई बोलो उसमें डेफिनेटली सिलेक्शन छुपा हुआ है बस वो सिलेक्शन हमें करके दिखाना है तो चलिएगा लेस जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट सुपर लेक्चर गाइस आर यू रेडी ना अरे भाई बोलो बब्बर शेरों तैयार हैं आप लोग <coughs> ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आंधिया तो उनको आने दो सर हमारे साथ में है खड़े हैं ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है चलिएगा लेट्स जस्ट बिगिन दिस क्लास तो दोस्तों आज की क्लास में एक तो मैं आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि ट्रैक्शन से अक्सर इमेज बेस्ड पूछे जाते हैं और दूसरा अपन क्वेश्चन देखेंगे तो चलिएगा फास्ट फैक्ट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले दोस्तों ट्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं ट्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं प्यारे बच्चों ट्रैक्शन का मतलब होता है फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने के लिए उस पर पुलिंग सिस्टम के माध्यम से वेट अप्लाई करना ही ट्रैक्शन होता है दोस्तों ट्रैक्शन दो प्रकार का होता है जब ट्रैक्शन स्किन पर अप्लाई करते हैं तो उसको स्किन ट्रैक्शन बोलेंगे और जब डायरेक्टली बोन के ऊपर वेट अप्लाई करते हैं तो उसको हम स्केलेटल ट्रैक्शन बोलेंगे तो ट्रैक्शन का मतलब है कि फ्रैक्चर्ड बोन को प्रॉपर अलाइनमेंट में मसल्स को कॉन्ट्रैक्चर से एंड स्पाज्म से प्रिवेंट करने के लिए बॉडी के उस पार्ट पर वेट अप्लाई करना यूजिंग द पुलिस सिस्टम This is called as the traction. When we apply the weight on the skin, this is called, guys, skin traction. When we apply the weight by using the bone, this is called as the skeletal traction. Dear student, tractions are always two varieties, two types of traction skin traction, and second is skeletal traction. Skeletal when applied on the bone, and skin when applied on the uh, body skin. <coughs> स्टूडेंट स्किन ट्रैक्शन में मैक्सिमम वेट हो सकता है फाइव के तक और स्केलेटल ट्रैक्शन पर मैक्सिमम वेट हो सकता है ट्वेंटी के तक याद रखिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ द वेट फॉर द स्किन ट्रैक्शन कितना अरे फाइव के जी और स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए ट्वेंटी के जी ये जो ट्रैक्शन आप देख रहे हैं फ्रेंड्स दिस इज अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों नॉट के टाइप्स अब इससे पहले हम समझेंगे क्योंकि ट्रैक्शन जब अप्लाई करोगे तो आपको नॉट भी बांधनी पड़ती है गिठान बांधनी पड़ती है ना अरे जो रस्सी काम में लोगे उसमें बांधनी पड़ती है ना तो हमसे कई बार एग्जाम में ये सवाल आया है और जब दिल्ली एग्जाम बनाता है ना तो बड़ा सोच समझ के बनाता है भाई दिल्ली को क्रैक करवाना हर किसी की बस की बात नहीं है क्योंकि दिल्ली बहुत सोच समझ के पेपर बनाता है और बड़ा हटके पेपर बनाता है यूजुअल पेपर नहीं बनाता है तो संभल के पढ़ना मेरे बब्बर शेरों मेरे चांद सितारों अगर सिलेक्शन चाहते हो तो बहुत सोच समझ के पढ़ाई करना तो उसमें वो पूछता है उसने कई बार पूछा है कि नोट के टाइप यानी नोट का फोटो बना के दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप की नोट है तो दोस्तों जब ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो क्लोवर हिच नॉट ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप इस तरह की नोट अगर लगानी है तो ये कहलाती है क्लोवर हिच नॉट क्लियर है नेक्स्ट देखना बेटा बैरल हिच बैरल हिच इसको बोलते हैं बैरल हिच ये जो नॉट दिख रही है आपको सेकेंड वाली ये बैरल हिच नॉट कहलाती है तो आपको केवल मात्र फोटो देख करके फोटो पहचानना है नोट का ओके ना बांधना तो जब जरूरत पड़ेगी बांधने की तो जब तुम प्रैक्टिस में चल जाओगे सेलेक्ट हो जाओगे <coughs> तो तब की तब देखेंगे अभी तो पहले सेलेक्ट हो जाए एक बार <coughs> तो सेलेक्ट होने के लिए अपने को नोट को पहचानना आना बहुत कंपलसरी है रीफ नोट थर्ड है बेटा रीफ नोट ये जो नोट देख रहे हैं आप ये है रीफ नॉट क्लियर है नंबर फोर आप देख रहे हैं हाफ हिच ये दोस्तों हाफ हिच नॉट कहलाता है ये वाला और लास्ट है टू हाफ हिच तो दो हाफ हिच लगा रखे हों तो इसको टू हाफ हिच नॉट कहते हैं क्लियर हो गया है ना टोटल नॉट में से कितने इमेज वेस क्वेश्चन बनेंगे बेटा पांच क्वेश्चन क्या लॉक कर दू इनको पांचों को याद रख लोगे ना पांचों नोट्स के क्वेश्चंस को लॉक कर दू ना अरे भाई बोलो <laughs> क्रिया का प्रतिक्रिया नियम होता है न्यूटन का थर्ड लो वेरी गुड न्यूटन के थर्ड लो को फॉलो करती है बेटा ट्रैक्शन यानी कि जितना इधर फोर्स होगा उतना उधर फोर्स होगा तब जाके जॉइंट प्रॉपर अलाइनमेंट में बना रहेगा अंडरस्टैंड ना तो उसको कहते हैं न्यूटन का थ्री नियम हाँ ऑनलाइन फर्स्ट वेच में मैंने बहुत अच्छे से बताया था नोट वगैरह पूरा डिटेल में सिखा रखा है क्रिस्टल क्लियर है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं तो ये है ट्रैक्शन अब पहले आप देखो स्किन ट्रैक्शन कौन कौन से टाइप के होते हैं सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं बेटा इंपॉर्टेंट है तो बक्स एक्सटेंशन रसल ट्रैक्शन ब्रयांट ट्रैक्शन पेल्विक बेल्ट पेल्विक स्लिंग ट्रैक्शन हेड हेल्टर और चिन हेल्टर दोनों हेल्टर याद रखना दोनों पेल्विक बेल्ट और सिलिंग याद रखना और तीनों ट्रैक्शन के नाम याद रखना याद रह जाएंगे ना आप तीन तो ट्रैक्शन याद रखना बेटा कौन कौन सी बक्स रशल और ब्रयांट बक्स रशल और ब्रियांट याद करो बक्स रशियल और ब्रियांट बी आर बी बी आर बी ट्रैक्शन जो होते हैं वो स्किन ट्रैक्शन होते हैं याद रख लोगे ना बी आर बी ट्रैक्शन कौन से बेटा स्किन ट्रैक्शन कौन कौन से बक्स रशल और ब्रियांट याद रहेंगे फिर इसके बाद दोनों ही बेल्ट याद रखना पेल्विक से रिलेटेड तो पेल्विक का बेल्ट और पेल्विक का स्लिंग क्लियर है दोनों याद रह जाएंगे हेड के दोनों याद हेल्टर दोनों याद रखना एक हेड का हेल्टर और एक चेन का हेल्टर ये सब स्किन पर अप्लाई किए जाते हैं टोटल याद रह जाएंगे नंबर थ्री और फोर सेवन क्वेश्चन क्लियर है नोट कितने प्रकार की पांच प्रकार की नोट याद रह जाएगी नेक्स्ट ट्रैक्शन की बात करूं तो बी आर बी ट्रैक्शन स्किन ट्रैक्शन होते हैं अंडरस्टैंड बेटा दोनों पेल्विक से रिलेटेड याद रखो पेल्विक से रिलेटेड दोनों बातें याद रखो बेल्ट और स्लिंग नेक्स्ट फिर आप याद रखो हेल्टर तो हेड और चेन क्रिस्टल क्लियर है यहां तक <coughs> सबसे पहले देखिए बेटा ये जो ट्रैक्शन अप्लाई किया हुआ है ये कहलाता है बक्स कौन सा बक्स ट्रैक्शन और ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला ट्रैक्शन होता है अंडरस्टैंड और इसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा जाता है रसल 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 ट्रैक्शन 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 दैट इज आल्सो वेरी वेरी मोस्ट जब को आप देखोगे तो रसल ट्रैक्शन में कहा से ट्रैक्शन अप्लाई वेट कहां पर अप्लाई हो रहा होगा यहां पर आपका जो नी ज्वाइंट है वहां पर और दूसरा आपका अप्लाई हो रहा होगा बेटा फुट के ऊपर वेट कहां कहां अप्लाई हो रहा होगा एक तो फुट पर और एक नी जॉइंट पर क्रिस्टल क्लियर है तो वो रशेल होगा अगर सिंपली केवल फीमर फ्रैक्चर के केस में हम बात करें तो फीमर फ्रैक्चर के केस में दोस्तों बक्स एक्सटेंशन पर वेट अप्लाई हो रहा होगा नेक्स्ट देखोगे आप ब्रयांट ब्रयांट ये देखिए फोटो जो आप देख रहे हैं इस तरह का ये फोटो आपको दोस्तों कौन सा ट्रैक्शन होता है ब्रयांट ट्रैक्शन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है सबको नेक्स्ट देखो पेल्विक बेल्ट ये जो दोनों देख रहे हैं आप पेल्विक बेल्ट हैं अंडरस्टैंड क्लियर बाद में दिख जाएगा थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव करके देख लेना है ना वैसे दिख जाएगा थोड़ा आइडिया हो जाए बस आपको इतना क्लियर इमेज नहीं दिखेगी नेक्स्ट देखो डनलॉप ट्रैक्शन डनलॉप ट्रैक्शन ये जो ट्रैक्शन देख रहे हैं दोस्तों ये डनलॉप ट्रैक्शन है यूज फॉर द सुप्रा कॉन्डाइलर और ट्रेंसको कॉन्डाइलर फ्रैक्चर इन द चिल्ड्रन बच्चों में यूज की जाने वाली ट्रैक्शन है और इसका नाम है डनलॉप्स केवल इमेज वेस्ट क्वेश्चन आपको इसका आना चाहिए ठीक है बेटा नेक्स्ट देखना फिंगर ट्रैप्स ये जो कहलाती है ये स्टाइल जो है ट्रैक्शन की वो फिंगर और ये डिजिटल फोर आर्म रिडक्शन के लिए यूज करते हैं तो फिंगर ट्रैप इसे कहते हैं नेक्स्ट देखना बेटा पेल्विक स्लिंग पेल्विक स्लिंग आपको दिख रहा है पूरा ये जो स्लिंग अप्लाई किया जा रहा है यहाँ से कमर वाले एरिया पर अगर स्लिंग लगा हुआ है तो इसको कहते हैं पेल्विक स्लिंग ट्रैक्शन पेल्विक बेल्ट आपने देख ही लिया ये पेल्विक बेल्ट होता है अंडरस्टैंड और ये होता है बेटा पेल्विक स्लिंग क्लियर ये देख रहे हैं आप हेड का हेल्टर ये हेड हेल्टर क्लियर है ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें इस तरह से पेशेंट को अपनी गर्दन फिट करके मेंटेन करनी होती है नेक्स्ट देखो बेटा ये दिख रहा है आपको चिन हेल्टर कौन सा चिन हेल्टर तो दोनों हेल्टर दिख गए हेड हेल्टर और चिन हेल्टर यह हेल्टर को यूज करने का तरीका है इस प्रकार से हेल्टर अप्लाई किया जाता है तो इसको भी आप पहचान के रखिएगा दूसरे टाइप के ट्रैक्शन होते हैं स्केलेटल स्केलेटल में ओवरहेड आर्म लेटर आर्म बैलेंस सस्पेंशन ट्रैक्शन सारे नाम याद रखना क्लियर है बेटा नेक्स्ट देखो बेटा स्केलेटल टॉग हेलो ट्रैक्शन ये ट्रैक्शन है स्केलेटल ट्रैक्शन ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा ये फोटो दिख रहा है सबसे पहला आपको इसको कहते हैं ओवरहेड आर्म ओवरहेड आर्म यानी आर्म को सिर से ऊपर करके ट्रैक्शन अप्लाई करना क्या कहलाता है ओवरहेड आर्म नेक्स्ट देखो बेटा लेटर आर्म ये जो दिख रहा है आपको ये लेटर आर्म है ट्रैक्शन फॉर द ट्रैक्चर्स ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस

पिन साइट केयर करनी पड़ेगी केसेस में इसका नाम है क्रैची टॉक्स क्या नाम है बेटा क्रैची टॉक्स ये जो दिख रहा है आपको इसमें दोनों स्क्रू होते हैं जो स्काटल में फिक्स फिक्स कर देंगे हम ऐसे करके तो ये है दोस्तों क्रैची फील्ड टॉक्स क्लियर ये दिख रहा है आपको टॉक्स ये टॉक्स होता है तो ये हेलो ट्रैक्शन है ये इस तरह से ट्रैक्शन लगा हो तो इसको कहते हैं है हेलो ट्रैक्शन ट्रैक्शन का पूरा फ्रेम है हेलो ट्रैक्शन फ्रेम और इस तरह से हेलो ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है एक नाम याद रखना यह ट्रैक्शन का फोटो है क्लियर है तो केवल मात्र आपको तो फोटो देखना है अभी क्लियर नहीं दिखा है तो आप बाद में देखोगे तो आपको दिख जाएगा स्क्रीन वगैरह ले लेना ले आप <coughs> नेक्स्ट देखिए बेटा ये गार्डनर टॉक कहलाता है गार्डनर टॉक पिन केयर आर इंपॉर्टेंट इन जितने भी स्केलेटल स्केलेटल में हमें पिन साइट केयर करना पड़ेगा नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन सेशन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा बिफोर अंडर गोइंग द सर्जरी फॉर अ फ्रैक्चर्ड हिप कहां पर फ्रैक्चर है बेटा फ्रैक्चर्ड हिप एन ओल्डर क्लाइंट इज प्लेस इन द बक्स ट्रैक्शन और कौन सा ट्रैक्शन अप्लाई किया बक्स ट्रेक्शन अप्लाई किया है विच नर्सिंग टेक्निक इज बेस्ट वेन प्लानिंग टू चेंज द क्लाइंट बेड लेन अब देखो कंडीशन ये कहता है कि हिप का फ्रैक्चर है और बक्स ट्रेक्शन लगा हुआ है आपको क्या करना है यू वॉन्ट टू चेंज द बेड लेन ऑफ द पेशेंट हम पेशेंट का बेड लेन चेंज करना चाहते हैं तो हाउ वी कैन डू कैसे कर सकते हैं Roll the client from one side of the bed to the another. Apply the linen from the foot to the top of the bed. Leave the <coughs> bottom sheet in place until surgery. Rise the client from the bed with a mechanical lift. प्यारे बब्बर शेरों याद रखिएगा जब कभी भी किसी traction या औरतों पैडिक पेशेंट का आप bed linen change करना चाहते हो तो कभी भी उस पेशेंट को मैकेनिकल लिफ्ट का यूज मत करना क्लियर हो गया है दोस्तों कभी भी उस पेशेंट को साइड टू साइड आप रोल मत करना रोल द पेशेंट साइड साइड टू साइड उसको कभी भी रोल मत करना वरना उसका जो भी ज्वाइंट फ्रैक्चर है उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा नेक्स्ट ध्यान रखिएगा लीव द बॉटम शीट इन प्लेस अंटिल द आफ्टर सर्जरी अगर शीट जो है वो सॉइल्ड हो चुका है तो उसको चेंज कर देना चाहिए वरना इंफेक्शन तो होगा ही होगा तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों केवल अगर आप पेशेंट को शीट चेंज करना चाहते हो लेन चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज फ्रॉम लेन द फुट टू द टॉप ऑफ द बेड लेन शुड बी ऑलवेज चेंज फ्रॉम फुट टू हेड अंडरस्टैंड बेटा फुट से हेड की तरफ हम चेंज करते हैं पहले पेशेंट को फुट की साइड में लिनन को चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हेड साइड में चेंज किया जाता है क्रिस्टल क्लियर है वेरी गुड शाबाश वेरी नाइस आंसरिंग गाइस। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने आगे बात करता हूं प्यारे बच्चों वुगली सॉल्यूशन की तो बक्स ट्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन यूज टू इमोबिलाईज पोजिशन और अलाइन वन और मोर लोअर एक्सट्रीमिटीज। बक्स ट्रेक्शन एक ऐसा ट्रैक्शन होता है जो लोअर एक्सट्रीमिटी एक या दोनों को ही अलाइनमेंट में प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों पर्सन इन द बक्स ट्रेक्शन इज नॉट टर्न फ्रॉम साइड टू साइड और राइज विद मैकेनिकल लेफ्ट कभी भी बक्स ट्रैक्शन वाले पेशेंट को साइड टू साइड या मैकेनिकल लिफ्ट का यूज करके राइज़ नहीं करना है बेटा क्रिस्टल क्लियर है ना अरे भाई बब्बर शेरो अ क्लाइंट इन द ट्रैक्शन इज एनी अदर हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट हैज बैड लिनन चेंज्ड व्हेनेवर दे आर सोइल्ड वेट और नीड टू रिप्लेसमेंट हमेशा याद रखना कोई भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है और उसका बेड लिनन अगर सोइल्ड हो चुका है तो उसको चेंज करना ही चाहिए वरना क्या होगा मै इनक्रीज द चांसेस फॉर द इन क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा अंडरस्टैंड ना तो कैसे चेंज करते हैं बेड लिनन बक्स ट्रैक्शन वाले का फुट से हेड की तरफ कैसे करोगे बेटा फुट से हेड की तरफ अरे जो पड़ेगा वो पाएगा अंडरस्टैंड बेटा इसलिए याद रखना पूरे दिमाग से हर एक क्वेश्चन को समझते रहना क्योंकि ये नॉलेज आपको अन्यत्र कहीं भी संभव नहीं होगी प्यारे बच्चों और जो आपको यहां से एक नई टेक्निक से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन का मौका मिल रहा है उसको गवा मत देना क्लियर हो गया है तो चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा विच असेसमेंट फाइंडिंग वारंट द इमीजिएट एक्शन बाय द नर्स वेन अ क्लाइंट इज इन बक्स ट्रैक्शन अब आपको जवाब देना है कि विच असेसमेंट फाइंडिंग वारंट द इमीजिएट एक्शन आपको कौन सी असेसमेंट अगर मिले तो यू नीड टू टेक द इमीजिएट एक्शन कौन सी कंडीशन में यू नीड टू टेक द इमीजिएट एक्शन इफ द वेन क्लाइंट इज इन बक्स ट्रैक्शन एक पेशेंट जिसको बक्स ट्रैक्शन अप्लाई किया हुआ है और विच कंडीशन यू नीड टू टेकन द इमीजिएट एक्शन तो गाइस चार ऑप्शन देता हूं आपको द ट्रैक्शन वेट आर हैंगिंग अबो द फ्लोर द लेग इज इन द लाइन विद द पुल ऑफ द ट्रैक्शन द क्लाइंट फुट इज टचिंग दैड द रॉप इज इन द्रू ऑफ द ट्रैक्शन पुली व्हाट यू विप इज इन द्रू ऑफ द ट्रैक्शन पुलिस व्हाट यू बब्बर शेरों कौन सी स्थिति में हम लोगों को इमीजिएटली एक्शन लेना पड़ेगा अगर किसी को बक्स ट्रैक्शन लगा हुआ है अब जब कभी भी बक्स ट्रैक्शन या कोई भी ट्रैक्शन अगर आपने अप्लाई कर रखा है ना ऑर्थोपेडिक वार्ड में और आप देखते हो बेटा कि उस पेशेंट को जो ट्रैक्शन लगाया गया है उसके पीछे पर्पस होता है उस फ्रैक्चर्ड बॉडी के ज्वाइंट्स को प्रॉपर अलाइनमेंट के अंदर मेंटेन करना और दूसरी बात बेटा बोन्स के रिलेवेंट मसल्स में इस ना हो इसलिए ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है अब मैं जानता हूं कि ट्रैक्शन अप्लाई कर रखा है और जिस पर्पस से कर रखा है अगर वो ही पर्पज डिस्टर्ब हो रहा हो तो डीएस स्टूडेंट उस कंडीशन में तो एक नर्सिंग ऑफिसर को इमीजिएटली एक्शन लेना पड़ेगा तो देखिएगा यहां पर पेशेंट का जो पेड़ है ना वो पेड़ कहां टच हो रहा है बेटा बेड के एंड साइड में टच हो रहा है और अगर टच हो रहा है ना तो वी अंडरस्टैंड क्या समझ जाएंगे कि ये हमारे परपज को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है तो इन दिसक द इमीजिएट एक्शन अरे भाई बोलो बच्चों बात समझ में आ गई बेटा अगर ट्रैक्शन वाला पैर उसके बेड के एंड में टच हो रहा है तो ये हमारे ट्रैक्शन में पेर के अलाइनमेंट को या मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन को डिस्टर्ब करेगा या बढ़ावा देगा सो अ नर्सिंग ऑफिसर वैन गो इन द वार्ड एंड सी दैट द फुट एंड ऑफ द क्लाइंट इज टचिंग इज़ द फुट एंड ऑफ द बेड। तो इन दिस केस यू नीड टू टेक द इमीजिएट एक्शन और इसीलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्रिस्टल क्लियर है बेटा आई वोगली सोल्यूशन क्या कहता है टू मेंटेन अंट्रेक्चर्स काउंटर एक्शन

ट्रैक्शन रॉप मस्ट मूव फ्रीली विद इन दू ऑफ द्रैक्शन की जो रॉप है, है वो पुलिस के अंदर प्रॉपरली मूवमेंट भी करती रहनी चाहिए तो दो बातें जब कभी भी ट्रैक्शन को चेक करने जा रहे हो तो सबसे पहली बात आपको देखना बेटा क्या देखना कि जो ट्रैक्शन आपने अप्लाई कर रखा है उस वॉक्सटिटी का उस ज्वाइंट का कहीं पर बैड पर एंड एरिया में टचिंग तो नहीं हो रहा है सेकेंड थिंग आप देखना कि जो रॉप है वो पुली में प्रॉपरली सर्कुलेटिंग है कि नहीं है अंडरस्टैंड नंबर थ्री बात आप देखना कि वेट जो अप्लाई कर रखा है वो प्रॉपर है कि नहीं है ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी होती है व्हेन वी आर गोइंग टू असेसिंग द पेशेंट दे आर इन द ट्रैक्शन क्रिस्टल क्लियर है ना पैक कर दिया जाए बेटा यहां तक अरे भाई बोलो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझते रहना नेक्स्ट क्वेश्चन ज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर असैसिंग द सर्कुलशन इन द लेग इन दह रहा है कि विच टेक्निक फॉर द असमेंट ऑफ द सर्कुलेशन इन द लेग दोस्तों लेग में सर्कुलेशन को असेस करने का बेस्ट तरीका क्या होता है जब पेशेंट को हमने बक्स ट्रेक्शन अप्लाई कर रखा होता है तब तो पहला ऑप्शन देखिएगा ऑब्जर्व वेदर द क्लाइंट कैन वेगल और मूव द टो पालपेट फॉर द पल्सेशन ऑफ द डोलिस क्लाइंट ब्लड प्रेशर विद पोजिशन ऑन द अफेक्टेड एग डिट वेदर द्लाइंट कैन फील द शार्प और डल सेंसेशन तो दोस्तों सेंसेशन वाली बात आई है तो सेंसेशन वाली बात से तो मैं तो ये समझ गया कि यार इसको तो हटाओ पहले यह तो एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है अंडरस्टैंड बेटा तो मेरा फोर्थ ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गया कि यार फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत हो गया क्योंकि ये तो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट है दूसरी बात करता हूं टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर विद अ थाई कफ पोजिशन ऑन द अफेक्टेड लेग तो अफेक्टेड लेग पर थाई पर ब्लड प्रेशर नहीं लेंगे दोस्तों वरना इसकी वजह से जो होगा वो पेशेंट का आर्टरी और ब्लॉक हो जाएगा या अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लेने की कोशिश हम नहीं करेंगे क्योंकि वो लेग ऑलरेडी अफेक्टेड है और वहां ब्लीड भी हो सकता है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे ऑब्जर्व वेदर क्लाइंट कैन और मूव चेक करने से क्या पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो टोज को मूव कर पा रहा है हिला पा रहा है तो क्या इससे सर्कुलेशन डिटरमाइन हो जाएगा नेवर होगा नहीं होगा बेटा तो विगलिंग और मूविंग करने से पेशेंट के सर्कुलेशन को आप नहीं कह सकते तो यू नीड टू द पल्सेशन इन द आर्टरी दोस्तों जब कभी भी सर्कुलेशन हम चेक करेंगे तो सर्कुलेशन चेक करने के लिए डिस्टल एरिया की आर्टरी को प्रेफर करेंगे तो आपको कौन से एरिया की आर्टरी डॉरसलिसियल आर्टरी होती है इस आर्टरी को असेस करना है पालपेट करना है और पल्सेशन अगर प्रॉपर हो रहा है मिस सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन किस किस का सही निकला है भाई बोलो बब्बर शेरों आइए बात करता हूं बुगली सॉल्यूशन द बेस्ट टेक्निक फॉर असेसिंग द सर्कुलेशन इज टू पालपेट द डिजल पेरीफेरल पल्स तो क्या पालपेट करना सबसे बेटर तरीका होता है प्यारे बच्चों अगर मैं ऑप्शन के अंदर आपको ये वाला दे देता ना अगर मैं आपको डोरसेलिस पेडिस ना दे करके मैं ऑप्शन चेंज कर दूं तो मैं क्या कह दूंगा असेसमेंट ऑफ द सर्कुलेशन पालपेट द डिजल पेरीफेरल पल्स

एक बार जोरदार नारा लगा दो हर हर वुगली घर घर वुगली क्रिस्टल क्लियर है बेटा एम्स के हर सेंटर के बाहर एक ही नारा सुनाई देना चाहिए इस साल हर हर वुगली घर घर वी क्रिस्टल क्लियर है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड एन ओल्डर क्लाइंट इज प्लेस इन द रसल ट्रैक्शन तो एक ओल्ड पेशेंट है उसको रसल ट्रैक्शन हमने अप्लाई किया हुआ है और मैंने कहा था बी आर बी प्रकार के तीन प्रकार के ट्रैक्शन आपको बता रखे हैं बक्स रशेल और ब्रेंट अभी मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि स्किन ट्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं बी आर बी बी आर बी बोले तो बक्स रूसरे टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों रशेल वाले रशेल ट्रैक्शन के केस में हम बात करें तो वायल अवेटिंग द सर्जरी टू प्रिवेंट द स्किन ब्रेक डाउन वाइल द क्लाइंट इज इन द ट्रैक्शन द नर्स मस्ट फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट द स्किन इन विच एरिया आपको बताना है कि जब रसेल ट्रैक्शन अप्लाई कर रखा हो किसी पेशेंट को तो कौन सा एरिया हम लोगों को असेस करते रहना चाहिए स्किन ब्रेकडाउन के लिए तो सवाल सीधा सा है सिंपल सा है सबको समझ में आ गया होगा तो चार ऑप्शन में दे रहा हूं दोस्तों पहला है ओवर द इस्चियल स्पाइन इस्चियल स्पाइन एरिया को इन द पॉपुलेटियल स्पेस पॉपुलेटियल एरिया को नियर द इलियाक क्रेस्ट इलियाक क्रेस्ट एरिया को या एट द जाइगोमेटिक आर्च जाइगोमेटिक आर्च को जब कभी भी किसी भी पेशेंट को रसल ट्रैक्शन लगा रखा हो तो कौन सा एरिया फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए कहीं उस एरिया में स्किन ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा हो तो प्यारे बब्बर शेरों अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि रसल ट्रैक्शन लगा हुआ हो तो आप पॉपुलिटियल एरिया को सबसे ज्यादा चेक करने पर ध्यान देंगे तो एरिया एरिया वी नीड टू इंस्पेक्ट देन आंसर होगा बेटा क्योंकि आप जानते हैं रसल ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है पॉपुलिटियल एरिया पर अंडरस्टैंड यानी घुटने पर और तीसरा हमारे फुट के ऊपर क्लियर है सो द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन कितने बब्बर शेरों ने कितने चांद सितारों ने इसका सही उत्तर दे दिया था भाई बोलो अरे बोलो मेरे चांद सितारों बात समझ में आ रही है ना समझ में तो आ जाता है ना तुम लोगों को जो बात भी बोली जाती है क्लियर हो दिल तू संभल सज़रा फिर तैयारी करने चला है तू आगे बढ़ जा जरा फिर तैयारी करने चला है तू दिल तू संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला दिल तू चलता ही जा फिर तैयारी करने चला है तू ठीक है बेटा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ठीक है बेटा चलिए अक्की बेटा चलते हैं आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं अपनी इस तैयारी के इस मार्ग को बेटा तैयारी के इस मार्ग को तय करने में कोई कसर मत छोड़ना अंडरस्टैंड रोज एक एक कदम बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर हम उस मंजिल पे पहुँच जाएंगे जिस पर हम जाना चाहते हैं हम एक ही दिन में मंजिल को नहीं जीतना चाहते हैं हम अनुभव और नॉलेज के लेकर के हम मेहनत और नॉलेज के दम पे इस मंजिल को अपना बनाएंगे और धीरे 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 हमारे रोज के छोटे छोटे प्रयासों से हम एक दिन जरूर इस मंजिल को फतेह कर लेंगे तो चलिएगा दोस्तों पढ़ते रहिएगा वगली क्लासेस और सीखते रहिएगा बेहतर नॉलेज के साथ में एक बेहतर नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए बेस, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी तो चलिएगा नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों रसल ट्रैक्शन इज यूज टू तो अलाइन अ फ्रैक्चर्ड फीमर पहला क्वेश्चन मार्क करो बेटा कि रसल ट्रैक्शन जो होता है फ्रैक्चर फीमर को अलाइनमेंट करने के लिए यूज किया जाता है नंबर टू अ स्लिंग अफेक्टेड लेग को किस में सपोर्ट किया जाता है जब कभी भी रसल ट्रैक्शन लगाया जाता है तो जस्ट अफेक्टेड लेग सपोर्टेड इन अलिंग दूसरा क्वेश्चन मार्क करो बेटा अफेक्टेड लेग सपोर्टेड इन द स्लिंग कहां पर जस्ट बिलो द नी और पुलिंग द फोर्स आर अपवर्ड एंड द लॉन्गिट्यूडनल बाय मींस ऑफ अ पुली और वेट दोस्तों याद रखना जस्ट अपेक्टेड लेग जस्ट बिलो द नी कहां पर वेट लगाया जाता है तो रसल ट्रैक्शन के केस में वेट कहां अप्लाई होता है बेटा जस्ट बिलो द नी दूसरा को तीसरा क्वेश्चन याद रखोगे ना नेक्स्ट बात करता हूं पुलिंग फोर्स जो होता है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है तो रसल ट्रैक्शन के लिए बेटा याद रखना एक्सर्टेड अपवर्ड एंड द लॉन्गिट्यूडनल अपवर्ड एंड लॉन्गिट्यूडनल इस पर वेट अप्लाई किया जाता है तो पहला क्वेश्चन याद रखा सब फीमर के लिए रसल ट्रैक्शन यूज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर टू दूसरा क्वेश्चन होता है कि सिलिंग के माध्यम से रसल ट्रैक्शन को सपोर्ट किया जाता है नंबर थर्ड क्वेश्चन बेटा जस्ट बिलो द नी बिलो द नी वेट कहां पर अप्लाई किया जाता है बिलो द नी अंडरस्टैंड तो बिलो द नी देन वेट जो होता है किस डायरेक्शन में लगाते हैं तो अपवर्ड एंड द लॉन्गेट्यूडनल एंड लॉन्गेट्यूडनल क्लियर हो गया बेटा पूरा रसल ट्रैक्शन क्रिस्टल क्लियर है ना तो अब मुझसे पूछा कि तू नर्सिंग ऑफिसर है और असिस्ट करने जाएगा पेशेंट को तो कहां असिस्ट करेगा तो भाई बिलो द नी वेट लगाते हैं इसलिए मैं तो जाऊंगा तो मैं एरिया में जाके चेक करूंगा तो पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गया फीमर के लिए बिलो द नी पॉपलिटियल सिलिंग और अपवर्ड एंड लॉन्गिट्यूडल पांचों क्वेश्चन रसल ट्रैक्शन के क्रिस्टल क्लियर हो गए क्या बब्बर शहरों आगे बढ़ सकता हूं क्या अरे बोलो भाई आगे बढ़ू ना वेरी गुड शाबाश तो याद रखना द पॉपुलिटियल स्पेस बिहाइंड द नी इज स्पेशली प्रोन टू द प्रेशर एंड द इरिटेशन व्हेन द रसल ट्रैक्शन इज यूज दिस एरिया इज सस्पेंडेड इन द स्लिंग विच कैन बिकम द रिंकल्ड तो मैं क्वेश्चन कहता हूं कि स्पेशली विच एरिया प्रोन टू प्रेशर और इरिटेशन व्हेन रसल ट्रैक्शन इज यूज्ड अगर मेरा सवाल सिंपल सा छोटा सा सवाल हो तो जवाब देने की कोशिश करना देखें वेन आई विल यूज द रसल ट्रैक्शन वेन आई विल यूज द रसल ट्रैक्शन तो सवाल का जवाब देना सोच समझ के देना तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है आपसे कि विच एरिया स्पेशली प्रोन टू प्रेशर और इरिटेशन विच एरिया विच एरिया स्पेशली प्रन टू प्रोन टू प्रेशर प्रेशर एंड इरिटेशन इरिटेशन इन रसल ट्रैक्शन तो जवाब क्या दोगे बेटा रसल ट्रैक्शन में कौन सा एरिया जस्ट प्रेशर के लिए स्पेशली प्रोन होता है तो आंसर क्या दोगे बेटा सर पॉपलिटियल एरिया क्या जवाब देंगे बेटा पॉपलिटियल एरिया क्रिस्टल क्लियर है दूसरा क्वेश्चन होता है रसेल ट्रैक्शन अप्लाइड ऑन रसेल ट्रैक्शन अप्लाइड ऑन रसेल ट्रैक्शन कब अप्लाई करते हैं बेटा तो रसेल ट्रैक्शन अप्लाइड इन केस ऑफ द फ्रैक्चर ऑफ व्हिच बोन जवाब क्या आएगा आंसर दो भाई फ्रैक्चर ऑफ फीमर कौन सा बोन का फ्रैक्चर फीमर का फ्रैक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना दूसरी बात करता हूं कि असेसमेंट जब आप ट्रैक्शन लगा हो असेसमेंट करने जाओगे तो असेसमेंट क्या कौन सा एरिया करोगे बेटा पॉपुलटियल एरिया अंडरस्टैंड पॉपुलिटियल एरिया यानी जस्ट बिलो द नी वी नीड टू इन केस ऑफ द रसल ट्रैक्शन देन आपसे मेरा अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा ध्यान से सुनो चौथा क्वेश्चन वेट का डायरेक्शन वेट का पुलिंग वेट या पुलिंग का डायरेक्शन क्या होगा पुलिंग का डायरेक्शन क्या होगा तो चलिएगा जवाब दीजिएगा बेटा रसेल ट्रैक्शन अप्लाई कर रखा है तो क्या डायरेक्शन में आप वेट अप्लाई करते हो क्या जवाब होगा अपवर्ड एंड द लोंगिट्यूडनल अपवर्ड एंड द लोंगिट्यूडनल क्लियर हो गया है बेटा लोंगिट्यूडनल एंड अपवर्ड क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है क्लाइंट रूम आप पेशेंट के रूम में घुस गए हो अरे घुस गए हो तो घुस जाओ ना आप ही का तो कमरा है आप ही की तो इजाजत से चलता है टू क्या चेक करने के लिए ट्रैक्शन ऑपरेटर्स को चेक करने के लिए आप पेशेंट के कमरे में घुस गए तो कमरा उसका ही आपका ही तो है भाई आप ही का तो हुक्म चलता है वहां पे और किसी का नहीं चलता है तू तो ही तो उसका मालिक है मेरे बब्बर शेर अरे भाई बोलो बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं तो कहना है विच ऑफ द फोलोविंग माइट इंटरफेयर विद द इफेक्टिवनेस ऑफ द रसल ट्रैक्शन आपसे कह रहे हैं कि कौन सा जस्ट फॉलोविंग माइट इंटरफेयर कौन सी चीज आप आपने ऐसी देखी कौन सा चेंज uh, आपने ऐसा देखा विच अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द रसल ट्रैक्शन जो रसल ट्रैक्शन की इफेक्टिवनेस को कम कर देगा चार ऑप्शन दे रखा है द रोप इज स्ट्रंग टॉट Shortly from the pulley to pulley. The trapezius is hanging above the client's chest. The rope is knotted at the location of a pulley. The weight is above 20 inch yeah, 61 centimeter from the floor. What finding when you observe, you identify that this identification is affecting the effectiveness of the rustle traction. शाबाश बेटा यू आर गिविंग वेरी नाइस आंसरिंग शाबाश शाबाश वेरी एक्सीलेंट बहुत गजब की प्रिपरेशन आपका चल रहा है वेरी एक्सीलेंट गाइस बहुत शानदार और हमने देखा कि जो नोट है ना ये नोट कहां पर फंसी हुई है पुली की लोकेशन पर अटक रही है अगर हमें ऐसा देखा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो पुली के लोकेशन पर नोट अटका हुआ है ना दिस अफेक्ट द effectiveness of the Russell traction crystal clear ho gaya hai beta so when I see this third finding I will observe that it is affecting the effectiveness of the Russell traction or turandhi I will taken some action to change to release two pieces of the rope are sometime spliced together with a note to provide the sufficient length for the traction. However, if the note prevent

Which nursing action is appropriate while the client is being transported? Aap se kaha jaara hai ki dear student, just which is the appropriate when the client is being transported? So identify the correct option. The nurse leave the traction as is. The nurse remove the weight during the transport. The nurse rest the weight on the end of the bed or the nurse take the client leg out of the, ट्रैक्शन क्या करने वाले हो आप अगर ट्रैक्शन लगा हुआ है और पेशेंट को दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है तो उस स्थिति में आप चारों में से क्या करोगे ट्रांसपोर्ट sure करते समय हमें वेट को हटा लेना है राइट right? दूसरा कह रहा है द नर्स रेस्ट द वेट ऑन द एंड ऑफ द बेड तो जब ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तब आप उस वेट को पेशेंट के बेड पर रख देना या नर्स टेक द क्लाइंट लेग आउट ऑफ द ट्रैक्शन उस समय आप क्लाइंट के लेग को ट्रैक्शन से बाहर निकाल लेना क्या करोगे या जैसा है वैसा रहने देना क्या करोगे बेटा अगर माना कि आपको एक पेशेंट जिसको ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है तो प्यारे बब्बर शेरों मेरे चांद सितारों, याद रखना आप हमेशा ट्रैक्शन को बिल्कुल भी मत छेड़ना जैसा ट्रैक्शन लगा हुआ है वैसा कि वैसा ही हमें रखना है क्वेश्चन क्लियर है बेटा तो पहला ही ऑप्शन हमें एग्जामिनर ने क्या दे दिया कि नर्स एज इज जैसा है वैसा ही रहने देना कोई परिवर्तन नहीं करना क्लियर <laughs> है याद रखोगे ना आप आगे से बोलो बब्बर शेरो। कई लोग आप में से बी ऑप्शन कर रहे थे तो उन लोगों के लिए यह मेरी वार्निंग है कि आगे से याद रखना ट्रैक्शन जैसा भी है वैसा ही रहने देते हैं कभी भी ट्रैक्शन को छेड़ा नहीं जाता है वरना क्या होगा मसल्स में स्पास्म आ जाएंगे कॉन्ट्रेक्चर्स होंगे और बोन का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर बेटा तो चलिएगा याद रखिएगा प्री ऑपरेटिवली ट्रैक्शन रिमेन अप्लाइड टू द क्लाइंट एट द ऑल टाइम Even during transport to the operating room. Its purpose is to relieve the muscle spasm or immobilize the fractured bone. If the nurse remove the traction or release the weight, muscle spasm can occur. Crystal clear hai? So remain applied to the client all time. Par mark all time, all time, all time, all time, all time, all time. Even during the ट्रांसपोर्ट टू द ऑपरेशन रूम ओटी में ट्रांसपोर्ट करते समय बी अंडर क्लियर है समझ में आ गया यहां तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अ सर्वाइकल हेल्टर अब आ जाइएगा सबसे पहले क्वेश्चन अपन ने बक्स के करे फिर रशल के करे अब अपन कर रहे हैं सर्वाइकल हेल्टर के तो देखो बेटा टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू अ क्लाइंट हु हैज एक्सपीरियंस अ इंजरी इन द मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विप्लैश इंजरी यानी कि सर्वाइकल इंजरी को विप्लैश इंजरी कहते हैं इसको सर्वाइकल इंजरी हो चुकी है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के कारण कौन सी इंजरी हो गई बेटा विपल्स इंजरी हो चुका है ओके विप्लैश इंजरी सर्वाइकल एरिया में और इसको क्या लगा रखा है सर्वाइकल हेल्टर लगाया हुआ है वेन द नर्स मार्क्स मैक्स द राउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट रिक्वायर द नर्स इमिजिएट अटेंशन अब आपने ऐसा क्या देखा आपने ऐसा क्या देखा क्या देखा कुछ खाने की चीज थोड़ी देखी तुमने वहां पर खा ली अरे खाने की चीज मत देखना ऐसा थोड़ी देखा कि कुछ खाने का देखा सर खाने का देखते तुरंत उठा के खा लिया एप्पल रखा था सर वहां पे सर मुझे पता नहीं है सर सर एप्पल रखा था वहां पे तो अरे गज्जू बेटा ध्यान दे पढ़ाई पे यार सीधा बैठ एक तो तू ओ हीरो सीधा बैठ सुनाई कम दे रहा है सीधा बैठ सीधा और हीरोइन तू भी सुन ले सीधी बैठ सीधी बैठ के पढ़ाई कर बेड पे पढ़े हो जैसे तो बेड पे लेट लेट के नहीं पढ़ना मेरी क्लास को सीधा बैठ के पढ़ो ठोक दूंगा वरना भी अंडरस्टैंड तो so, देखो इधर इमीजिएट अटेंशन कौन सी ऐसी ऑब्जर्वेशन आप देखोगे कि इमीजिएटली अटेंशन करना है बेटा पहला तो आपने देखा कि रेस्ट अंडर और occiput. आपने देखा कि जो हेल्टर लगा हुआ है ना वो हेल्टर पेशेंट के चिन और ऑक्सीपुट दोनों के बीच में फिट हो रहा है दूसरा आपने देखा कि क्लाइंट ईयर आर क्लियर ऑफ द ट्रैक्शन रॉप आपने देखा कि जो इसके ईयर है वो रॉप से नहीं टच हो रहे हैं बिल्कुल क्लियर है ईयर ऑफ द ट्रैक्शन रॉप दूसरी finding आपने ऐसे देखा ठीक है ना थर्ड बात देखी द वेट हैंग बिट्वीन दोर्ड और वॉल जो वेट है वो हैड बोर्ड और वॉल दोनों के बीच में लटका हुआ है देर इज अट पिलो क्लाइंट्स हेड आपने एक और चीज देखी कि देर इज अ सॉफ्ट पिलो क्लाइंट्स हेड क्लाइंट के सिर के नीचे एक सॉफ्ट पिलो लगा हुआ है भाई अरे सर को कैसे पता चलता है यार ये छोरी गजब करती है यार कैसे पता चलता है सर को सर क्या यार बेवकूफ खड़े सर को पढ़ाते 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 तुम्हारे जैसे जाने कितने नर्सिंग ऑफिसर बना दिए यार अनुभव तो होती है यार ऐसे तो तो ही आ जाते हो बस मुंह धोध नहा के बैठा करो पूजा पाठ करके बैठा करो ये वुगली का मंदिर है यार वुगली के मंदिर में ऐसे बताया करो बिल्कुल नहा पूजा पाठ करके सारा कुछ रिलैक्स होके और बढ़िया कमरे के अंदर साफ सफाई कर करा के फ्रेश एनवायरनमेंट करके फिर बैठा करो सेंट परफ्यूम वगैरह छिड़क के क्लियर है ना अरे तनिया शर्मा सर मेटो रोटी बनाते बनाते पढ़ रही हूँ साहू सर फिर भी पढ़ रही हूं क्योंकि क्लास जो आपकी है अरे वाह तानिया रोटी किसके लिए बना रही तू तो सुबह सुबह ही सुबह सुबह रोटी कौन खाएगा थोड़ी लेट बना लेती खड़ी हो जा सो के पड़ रही थी ना मुर्गी बनाओ क्या तुझे रेवी का मुर्गी बनाओ <laughs> कैमरे लगा रखे हैं तुम्हारे सबके है ना हाँ अरे परफ्यूम के पैसे नहीं है यार मस्त रे यार क्या रोने रोना जिंदगी में चला क्या लाए थे क्या लेके जाएंगे अरे क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे क्यों टेंशन लेके जिंदगी जी रहा है यार मस्त खुल के जीवन को जी लोड ले दिमाग पे राइट लोड लेके जिंदगी जी तो फिर क्या जिंदगी जी दोस्तों याद रखना एक बात बोलना चाहता हूं बहुत बड़ा इट नोज मैटर दैट अगर जिंदगी मिली है दिस इज नॉट मैटर ऑलवेज फोकस ऑन दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वान्टिटी ऑफ लाइफ इज नॉट मैटर बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मैटर प्यारे बब्बर शुरू याद रखना आपको जीवन कितना लंबा मिला कितनी जिंदगी मिलेगी दस साल बीस साल तीस साल पचास साल चालीस साल साठ साल सौ साल डेढ़ सौ साल तो क्वान्टिटी ऑफ लाइफ कितनी होगी यह हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर वाले के हाथ की बात है वो चाहेगा जितनी लंबी लाइफ हमें दे देगा लेकिन याद रखना क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मैटर जितनी भी जिंदगी जियो उसमें क्वालिटी जरूर होनी चाहिए तो क्या बच्चों किसी समझदार किसी बहुत अनुभवी व्यक्ति ने मुझे यह बात बोली राइट और उसने क्या बोला उसने मुझे एक ही बात बोली कि साहू सर क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज नॉट मैटर लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मैटर जिंदगी में कितनी लाइफ हमें मिलेगी यह हमारे बस की बात नहीं है यह हमारे हाथ की बात नहीं है जितनी याद रखना बेटा बहुत गजब इंप्रेसिव बात बोली थी उस बंदे ने मैं खुद भी उससे बड़ा इंप्रेस हुआ बहुत महान व्यक्ति हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं महान व्यक्ति हैं तो उन्होंने ये बात बोली तो मैं खुद भी अपने आप में सोचने पर मजबूर हो गया कि नहीं यार वाकई बात अच्छी बात है तो जीवन में याद रखो कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा ये चीजों में उलझ करके अपने लाइफ की क्वालिटी को डिस्टर्ब मत करो आने वाली जो लाइफ होगी वो क्वालिटी की होनी चाहिए ये मेरे हाथ की बात है और उसके लिए मुझे रोज संघर्ष करना है निस्वार्थ अपनी पढ़ाई करते रहो स्वार्थ से अगर कोई काम करोगे तो उसमें टेंशन ही मिलेगी सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक निस्वार्थ काम करोगे ना जैसे अभी मैं क्लास पढ़ाता हूं तो एक ही बात होती है कि अपने को क्या करना भाई जिसकी किस्मत में लिख रहा होगा की पढ़ना वो आएगा पढ़ेगा और जिसकी किस्मत में नहीं होगा वो नहीं आएगा नहीं पढ़ेगा मुझे तो मेरा कर्म करना है नॉर्सेट तक एक क्रैश कोर्स पूरा बच्चों को करवाना है जो कमिटमेंट मैंने करा है कि सुपर लेक्चर सीरीज का क्रैश कोर्स मैं पूरा ही करवाऊंगा बेटा और नॉर्थ इसके बाहर नहीं जाएगा ऐसा प्रॉमिस मैंने आप लोगों से कर रखा है तो मैं तो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं अब वो तो उसकी किस्मत निर्धारित करेगी कि किसकी किस्मत में ये सुपर लेक्चर सीरीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है ये किसकी किस्मत में लिख रही है और किसकी में नहीं इसकी चिंता मैं क्यों करूं भाई राइट ये तो आपकी किस्मत है कि आपकी किस्मत में गोर्ड ने नर्सिंग ऑफिसर बनना लिख रखा है के नहीं लिख रखा है क्लियर तो याद रखो बेटा ये सब चीजें जीवन में और ध्यान दो तो मैंने कहा सॉफ्ट पिलो बिनेट द क्लाइंट्स हेड अगर हेड के नीचे उसके सॉफ्ट पिलो लगा हुआ था तो यू नीड टू टेक द इमीजिएट अटेंशन क्लियर है बेटा पिलो नहीं लगा होना चाहिए था हमें इमीजिएटली अटेंशन करना है तो याद रखो पिलो इज यूजअली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वेन अ क्लाइंट इज इन द सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन बिकॉज इट अलर्ट द डायरेक्शन ऑफ द पुल इफ एनी काइंड ऑफ द हेड सपोर्ट इज नेसेसरी, इट इज यूजअली प्रोवाइडेड विद सर्वाइकल और नेक पिलो दैट फिट अंडर द नेप ऑफ द नेक कहा पर गर्दन की नेप पर अगर किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है बच्चों तो वो सपोर्ट या पिलो आप कहां लगा सकते हो सर्वाइकल या नेक एरिया में याद रखना बेटा ये भी याद रखना आप अगर मैं इस ऑप्शन को यहां पर ऐसा कर दूंगा ना देर इज अट पिलो बिनिथ द क्लाइंट head की जगह में क्या कर दूंगा Beneath द क्लाइंट नेक केवल एक शब्द चेंज करूंगा जिसमें पूरे ही बच्चों की बज्जी फिट हो जाएगी राइट क्योंकि आप रट के मत चल जाना किसी भी क्वेश्चन को अगर मैं ये करके चला जाऊंगा ना अगर इस क्वेश्चन को एम्स के अंदर दे दूंगा और इस पैटर्न को यहां से चेंज कर दूंगा ना तब भी आप आंसर फोर्थ ही चूज करोगे लेकिन हमें एक्टिव रहना है ओरिजिनल नॉलेज रखनी है बेटा रट्ट रट्टू तोता बनकर के एग्जाम देने मत जाना रट्टू तोता नहीं बनना है वोगली में पढ़ते हो मतलब ओरिजिनल नॉलेज ये हम लोगों को लेके चलना मुझे ये पता होना चाहिए मुझे ये ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर आएगा ऐसा डिपेंडेंसी मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए बिना ऑप्शन के भी मैं आंसर बता दूंगा अगर मुझसे सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर कि यार एक सर्वाइकल हेल्टर लगा हुआ है सर्वाइकल हेल्टर लगा हुआ है और कौन सा असेसमेंट हम देखेंगे कि क्या नहीं करना चाहिए तो सर मुझे तो पहले ही पता है कि पेशेंट के हेड के नीचे पिलो नहीं होना चाहिए अगर पिलो लगाना भी है सपोर्ट के लिए तो नेक के नीचे लगा सकते हैं हेड के नीचे नहीं ये बात मुझे पहले से ही पता थी दूसरी बात चिन और ऑक्सीपुट अंडर द चिन हेल्टर रेस्ट कहां पर लगा होता है हेल्टर हेल्टर रेस्ट अंडर द चिन और ऑक्सीपुट सही ऑप्शन है बेटा याद रख लेना इसको द क्लाइंट ईयर आर क्लियर ऑफ द ट्रैक्शन रॉप बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट द वेट हैंग बिटवीन द हेड हेडबोर्ड और वॉल बिल्कुल सही बात है और मैं कह दूं आपसे तो तो आपका आंसर जाएगा बेटा राइट ऑप्शन क्लियर है बेटा अरे बोलो बब्बर शेरों क्रिस्टल क्लियर हो गया यहां तक नेक्स्ट देखिएगा बेटा अगला सवाल अ क्लाइंट विद अ फ्रैक्चर्ड फीमर कहां पर फ्रैक्चर हो रहा है बेटा फीमर पर ज इन द स्केलेटल ट्रैक्शन अब आ जाइए क्वेश्चन पे स्केलेटल ट्रैक्शन वाले अभी तक स्किन ट्रैक्शन के चल रहे थे विदिन डिजिटल फीमर डिजिटल फीमर पर आपने पिन लगा करके स्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई कर दिया है द अफेक्टेड लेग इज सपोर्टेड बाई अ बैलेंसपेंशन विच मटेरियल एडेड बाय द नर्स इज बेस्ट फॉर कवरिंग द टिप ऑफ द पिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि विच मटेरियल यू विल यूज फॉर द कवरिंग फॉर द कवरिंग ऑफ द टिप ऑफ द पिन। अगर प्यारे बच्चों हमने स्केलेटल ट्रैक्शन लगा रखा है, तो स्केलेटल ट्रैक्शन में पिन काम में आती है ना और पिन साइट केयर हम लोगों को करना पड़ता है तो मुझसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि पिन लगा रखी है डिस्टल फीमर पर तो अफेक्टेड लेग पर तो इन पिन को कवर करने के लिए क्या चीज यूज करनी चाहिए विच मटेरियल एडेड बाय द नर्स इज बेस्ट फॉर कवरिंग द टिप ऑफ द पिन टू प्रिवेंट द इंजरीज वाइल द क्लाइंट इज इन द स्केलेटल लेग ट्रैक्शन तो एक क्वेश्चन तो याद रखना बेटा फ्रैक्चर फीमर पर स्केलेटल ट्रैक्शन लगा हुआ है स्केलेटल लेग ट्रैक्शन लगा हुआ है तो आपके पास चार ऑप्शन से गोज स्क्वायर कोटन बॉल कोर्क ब्लॉक या रबर ट्यूब्स क्या काम में लोगे और याद रखना बेटा ये हमारा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और लगा दो इस पे टू स्टार का सम्मान दो स्टार का सम्मान में इसे दे रहा हूँ तो याद रखना प्यारे बब्बर शेरो जब कभी भी आपको स्केलेटल ट्रैक्शन में पिन को कवर करने की बोली जाए तो कभी भी गोज वोज से कवर मत करना बैंडेज गोज यूज नहीं करते हैं बेटा कवर करने के लिए कॉटन बॉल का भी यूज नहीं करते हैं रबड़ की ट्यूब का भी यूज नहीं करते हैं ऐसी चीजें यूज नहीं करना है जो पिन की वजह से पेन के कारण टियर हो जाएंगी तो हम यूज करेंगे बेटा लकड़ी के कोर्क के ब्लॉक्स क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना जहां पर आप ये मान के चलो कि नहीं सोच पा रहे थे वो बात आपको सोचना है तो बेटा आप क्या यूज करोगे इसे सपोर्ट करने के लिए कवर करने के लिए लकड़ी के कॉर्क के ब्लॉक्स यूज करना है अंडरस्टैंड ये चीजें यूज नहीं करनी है क्योंकि ये तीनों ही जो है इजिली टीयर हो जाएंगे तो याद रखिएगा द टिप ऑफ द पिन द टिप ऑफ द पिन यूज फॉर स्केलेटल ट्रैक्शन आर स्कीवर्ड इन टू अ ब्लॉक किसके अंदर स्की वर्ड करके रखा फिक्स करना है ब्लॉक ऑफ द कोर्क और अ रबर बॉल सिमिलर टू द वन यूज फॉर प्लेइंग द जैक्स याद रखना या फिर दूसरा ऑप्शन है अपने पास रबर बॉल दैट शुड बी सिमिलर टू द प्लेइंग जैक बॉल्स गोज एंड कॉटन आर इन फॉर प्रिवेंटिंग द पंचर्स और ऑबरेशन तो क्या हो सकता है पिन के कारण पिन के कारण पंचर हो सकता है अब्रेशन हो सकता है क्लियर है बेटा जो पिन है पिन की वजह से पंचर या अब्रेशन हो सकता है अंडरस्टैंड इसलिए लकड़ी यूज करनी है कोर्क यूज करना है पिन में ऑल्सो पियर्स द रबर ट्यूब पिन जो है वो रबर ट्यूब में से भी पास हो जाएगी देयर बाय एक्सपोजिंग द शार्प टिप इसलिए रबर का ट्यूब भी यूज नहीं करना है अंडरस्टैंड बेटा क्या यूज करोगे हमेशा स्केलेटल ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए कॉर्क अंडरस्टैंड तो डीएस स्टूडेंट याद रखना दूसरा ऑप्शन है मेरे पास रबर बॉल या तो रबर बॉल या फिर कॉर्क अंडरस्टैंड टू तो प्रिवेंट द टू तो प्रिवेंट द पंचर एंड एब्रेशन क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेशन क्या पूछ रहा है बेस्ट इंडिकेशन बताइएगा दैट द क्लाइंट हैज एन इंफेक्शन एट द पिन साइट अब क्वेश्चन आ चुका है पिन साइट केयर क्योंकि स्केलेटल ट्रैक्शन से और स्केलेटल ट्रैक्शन में पिनसाइट केयर जो होता है वो बहुत मैटर करता है बेटा तो पिनसाइट केयर में हमसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा फाइंडिंग इंफेक्शन को इंडिकेट कर रहा है सीरस ड्रेनेज एट द पिन साइट ब्लडी ड्रेनेज एट द पिन साइट म्यूकोइड ड्रेनेज एट द पिन साइट पुरुलेंट ड्रेनेज एट द पिन साइट बेटा याद रखना सीरस ड्रेनेज सीरस क्या होता है तो ब्लड है ब्लड में से यदि अगर मैं सेल्स को हटा देता हूं तो वो कहलाता है प्लाज्मा और प्लाज्मा में से भी अगर क्लोटिंग फैक्टर्स को हटा दूं, तो जो बचता है वो सीरस कहलाता है और बेटा सीरस का पाया जाना काफी कॉमन बात होती है हर किसी वुंड से सीरस रिलीज होता है इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा ब्लडी ड्रेनेज दोस्तों ब्लडी ड्रेनेज है तो ब्लडी ड्रेनेज हमेशा किसी आर्टरी के रक्चर होने को इंडिकेट करता है अंडरस्टैंड म्यूकोइड ड्रेनेज जो होते हैं म्यूकोइड ड्रेनेज का पाया जाना भी कोई विशेष फाइंडिंग नहीं है दोस्तों यहां पर पुरुलेंट ड्रेनेज एकमात्र ऐसा ऑप्शन है दिस इज ओनली फाउंड इन केस ऑफ द इंफेक्शन तो पुरुलेंट ड्रेनेज अगर कहीं भी रिलीज हो रहा है तो दिस इज ओनली वन पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज दिस इज इंडिकेटिंग द इनफेक्शन गाइज यहां तक जितना पढ़ाया है प्रिया और पूनम बेटा एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ना यहां तक यहां तक जितना भी हम लोगों ने सीखा है वो डिस्टिल वाटर की तरह क्लियर है बेटा बोलो यार क्रिस्टल क्लियर ना शाबाश वेरी गुड बेटा बहुत अच्छा बहुत शानदार अति उत्तम यों कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने, चलने, चलने से ला 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 ला, ला. हम हैं राही हम हैं राही प्यार के चलना अपना काम चलना अपना काम पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल ना काम पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल ना काम हौसला ना हारेंगे हम जो बाजी मारेंगे ना हारेंगे हम जो बाजी मारेंगे हौसला ना हारेंगे हम जो बाजी मारेंगे ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से क्लियर है बेटा अरे बोलो बब्बर शेरों राइट तुम्हारे लिए एक से एक चीज बढ़कर के और यहां पर मैं आपके लिए लेके आता हूं चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा अच्छा ये देख लो पुरुलेंट ड्रेनेज समाइम रेफर्ड एज द पस कभी कभी इसको पस भी बोलते हैं इंडिकेट एन इंफेक्शन ट ड्रेनेज इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लूड कंटेनिंग व्हाइट ब्लड सेल और पैथोजन ड्रेनेज क्या होता है इसको क्या कहते हैं तो पुरुलेंट ड्रेनेज क्या होता है बेटा पुरुलेंट ड्रेनेज होता है फ्लूड जिसके अंदर डब्ल्यू बी सी और पैथोजन प्रेजेंट हो तो पहली बात तो समझ लो एक बात समझ लो तो याद रखना बेटा कि पुरुलेंट ड्रेनेज किसे कहते हैं तो पूर्वेंट ड्रेनेज कहते हैं बेटा फ्लूड और फ्लूड के साथ डब्ल्यू और पैथोजन फ्लूड और फ्लूड में डब्ल्यूबीसी और पैथोजन को क्या कहते हैं बेटा पुरुलेंट ड्रेनेज क्लियर पुरुलेंट ड्रेनेज आल्सो नोन एज द पस पुरुलेंट ड्रेनेज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इंफेक्शन चारों क्वेश्चन क्लियर है दूसरा पार्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इंडिकेट दैट द बॉडी इज अटेम्प्टिंग टू डिस्ट्रॉय और रिमूव द इंफेक्शन डब्ल्यू का पाया जाना ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी जो है इन पैथोजेंस को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था सीरस ड्रेनेज विच इज क्लियर इज मेड अप ऑफ द प्लाज्मा और सीरम understand bloody drainage indicate the trauma mucoid drainage which is released from the mucous membrane is sticky or transparent crystal clear next question the physician order antibiotic therapy for the client for infection the client is allergic to the penicillin नर्स मस्ट क्वेश्चन अ मेडिकल ऑर्डर फॉर विच टाइप ऑफ एंटीबायोटिक अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है तो और कौन सी दवा से भी उसको एलर्जी होती है एमाइनोग्लाइकोसाइड जैसे सिफेलोस्पोरिन जैसे सिफाक्लोर टेट्रासाइक्लिन जैसे डॉक्सीसाइक्लिन सल्फनामाइड जैसे ट्राइमेथोप्रिम या सल्फामेथोक्साजोल कौन सी दवा से भी एलर्जी होती है पेरे बब्बर शेरों याद रखना जिस किसी को पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी होती है उस व्यक्ति को <laughs> उस व्यक्ति को <coughs> से अरे मैं तो बच्चों का सिंगर हूं यार तुम्हारा सिंगर हूं बस राइट केवल बच्चों का सिंगर हूं तुम लोगों का सिंगर हूं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए सिंगर हूं बसिन जैसे Cephalosporin. दोस्तों याद रखना देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट इंडिविजुअल हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन विल ऑल्सो एग्जिबिट द सेंसिटिविटी टू द दिफेलोस्पोरिन याद रखना जिनको बेटा पेनिसिलिन ग्रुप से एलर्जी होती है दे आर हाईली सेंसिटिव फॉर द सेंसिटिविटी टू द दिफेलोर तो क्या याद रखोगे पेनिसिलिन वालों को से भी एलर्जी होती है क्योंकि बोथ टाइप ऑफ ड्रग्स आर सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर ऑल द क्लाइंट्स विद द ड्रग सेंसिटिविटी आर क्लोजली ऑब्जर्वड

Client with a fractured cervical vertebra is placed in a halo traction, a type of skeletal traction consisting of pins inserted into the skull that are incorporated into a vest of the plaster. Which description by the nurse most accurately state the purpose of halo traction? दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ये एक्सप्लेन करता है कि हेलो ट्रेक्शन क्यों लगाया जाता है चार ऑप्शन देखिए इट रेस्ट्रिक्ट द नेक मूवमेंट बट इनेबल द फिजिकल एक्टिविटी इट अलाउ द हेड मूवमेंट वाइल लिमोबिलाईजिंग द स्पाइन इट एसिलेट द हीलिंग बाय फैसिलिटेटिंग द फिजिकल थेरेपी इट प्रमोट फास्टर बोन रिपेयर विद इन अ शोर्टर टाइम स्पैन दोस्तों याद रखना जब कभी भी आप बात करो हेलो ट्रैक्शन की तो आइए इस बात को समझते हैं प्यारे बब्बर शेरों हेलो ट्रैक्शन जो होता है इमोबिलाईज द वर्टिब्रा इन द नेक हेलो ट्रैक्शन क्या करेगा वर्टिब्रा नेक की वर्टीब्रास को ये मोबिलाइज करता है जबकि अलाउिंग द अज्यूम द फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि स्टैंडिंग सिटिंग और वॉकिंग क्या क्या हेलो ट्रैक्शन वाला जो पर्सन है वो चल सकता है स्टैंडिंग कर सकता है वॉकिंग कर सकता है तो सर एम आई राइट यस और नो गाइस यू शुड नो दैट सर हेलो ट्रैक्शन ओनली इमोबिलाइज द विच बॉडी पार्ट तो सर इट ओनली इमोबिलाइज द वर्टिब्रल एरिया अंडरस्टैंड बेटा वर्टिब्राज इन द नेक

तो पहला ऑप्शन ही इसके अंदर आपको करेक्ट करना था आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस क्लियर है यहां तक बोलो भाई बब्बर शेरों क्रिस्टल क्लियर नेक्स्ट देखिए विच नर्सिंग ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड द बेस्ट इंडिकेशन दैट द हेलो ट्रैक्शन डिवाइस इज अप्लाइड अप्रोप्रिएटली ट्रैक्शन डिवाइस अप्रोप्रिएटली अप्लाई हो रहा है इस बात को इंडिकेट करने वाली फाइंडिंग कौन सी है पहली फाइंडिंग क्लाइंट है पूरी तरह से मूवमेंट है द क्लाइंट नेक पेन इज विद इन अ टॉलरेबल लेवल नेक में इतना सा दर्द हो रहा है जिससे कि वो बर्दाश्त कर सकता है द क्लाइंट कैन स्पीक और हियर एज प्री इंजर्ड लेवल पेशेंट सुन सकता है और बोल सकता है द क्लाइंट रिपोर्ट एबिलिटी टू सी द स्ट्रेट अहेड पेशेंट सीधा सामने देख पा रहा है चारों में से कौन सी फाइंडिंग होगी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हेलो ट्रैक्शन पढ़ाया और अब उसी के नॉलेज के आधार पर आपको मैं कह रहा हूं कि बच्चों इसमें इस पैटर्न में, इस में अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो आप क्या करोगे क्लाइंट रिपोर्ट द एबिलिटी टू सी स्ट्रेट अड शाबाश वेरी गुड तो देखिएगाड इज दाइन दैलो सरवाइकल ट्रैक्शन इज कीपिंग द नेक इमोबिलाईज अगर पेशेंट आपसे ये कह रहा है कि मैं केवल सामने सीधा देख पा रहा हूं तो आप समझ जाएंगे कि नेक को मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा है और हेलो ट्रैक्शन अपना प्रॉपर काम कर रहा है सही से फिट हो रहा है क्लाइंट शुड नॉट बी एबल टू मूव द नेक विल वाइल इन द हेलो सर्वाइकल ट्रैक्शन क्लाइंट में एक्सपीरियंस माइल्ड नेक डिसकंफर्ट इवन थ्रू द ट्रैक्शन इज अप्लाइड अप्रोप्रिएटली द एबिलिटी टू स्पीक एंड हियर आर अनिलिवेंट टू द यूज ऑफ ट्रैक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि पेशेंट कह रहा है कि मैं केवल सीधा देख पा रहा हूं तो दैट इज गुड फाइंडिंग व्हाई बिकॉज आवर मेन पर्पस बिहाइंड द ट्रैक्शन इज टू इमोबिलाईज द नेक ऑफ द पेशेंट क्रिस्टल क्लियर बेटा रेविका ओम प्रकाश एंड कुलदीप आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस क्लियर है यहां तक पैक कर दू ना आगे बढ़ू क्या <coughs> बोलो भाई चलिए विच असेसमेंट फाइंडिंग इज बेस्ट इंडिकेशन दैट द क्लाइंट इन द हेलो ट्रैक्शन इज डेवलपिंग अ सीरियस कॉम्प्लीकेशन दोस्तों कौन सा फाइंडिंग ये इंडिकेट कर रहा है कि हेलो ट्रैक्शन वाले पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो रहे हैं द क्लाइंट एक्सपीरियंस ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन द क्लाइंट नीड असिस्टेंस विद द शेविंग द क्लाइंट कैन नॉट

तो दिस इज एबनॉर्मल फाइंडिंग इन केस ऑफ द हेलो ट्रैक्शन यानी कि याद रखो कि ऐसी स्थिति में हम लोगों को समझना है कि हेलो ट्रैक्शन जस्ट कोजिंग द कॉम्प्लिकेशन सी ऑप्शन इज द द राइट आंसर साइन ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लीकेशन रिलेटेड टू द हेलोट्रैक्शन इनक्लूड इमोबिलिटी इन एबिलिटी टू फुलपन द माउथ और डिफिकल्टी इन द सोलोविंग तो यह दोनों ही कॉम्प्लीकेशन याद रखना बेटा अगर मैं आपसे डायरेक्टली सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछ लूंगा अगर नॉर्थ सेट में तो क्या पूछूंगा मैं कि हेलो ट्रैक्शन का कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करिएगा तो बेटा क्या कहना है कि सर अगर पेशेंट मुंह ओपन नहीं कर पा रहा है या पेशेंट सोलोविंग नहीं कर पा रहा है तो दीज आर पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हेलो ट्रैक्शन क्रिस्टल क्लियर है बेटा यहां तक बोलो यार तो चलिएगा आज के लिए बस इतना ही गाइस थैंक यू सो मच लव यू बब्बर शेरो विश यू ऑल द बेस्ट हर हर वोगली घर घर वुगली चारों तरफ लहराना चाहिए वुगली का झंडा क्या आप तैयार हैं अरे बोलो भाई हाउ इज जोश हाउ इज द जोश हाउ इज द जोश हर हर वुगली घर घर वुगली मेरे बब्बर शेरो लव यू ऑल और चलते रहिएगा और बढ़ते रहिएगा और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि नॉर्थ सेट पार ना हो जाए अब की बार नॉर्थ सेट क्रैक करके ही दम लेंगे थैंक यू सो मच लव यू गाइज विश यू ऑल द बेस्ट